पवित्र भाद्रव मास जन्माष्टमी ठारु श्रीमंदिर एवं श्रीक्षेत्र आरंभ होइथे कृष्ण लीला। एही लीला क्रम अनुसार शुक्ल दशमी तिथि शुक्रवार अवसर में आज श्रीमंदिर कंसबध नीति अनुष्ठित हो। प्रबल प्रतापी कंसबध सहित श्रीमंदिर चलता कृष्ण लीलार परिसमाप्ति घटव। भाद्रव शुक्ल दशमी अवसर में श्रीमंदिर श्री विग्रह मानकर मध्यान्ह धूप बढ़िबा परे महाजन सेवक रामकृष्ण को रत्न सिंहासन विजे कराइबे। सेठारे महाप्रभु को आज्ञामल लागिबा परे दुई ठाकुर को बटवृक्ष निकटे पालिंकी विजे कराइबो। विमान बड़ू सेवक मैंने पालिंकी को कुंडी बेंट साई लवणीखिया छक को ने छक पंती घरे लवणीखिया नीति संपन्न हो। सेठारे भीतरछ महापात्र ठाकुर को आड़ती बंदापना करने सहित महाभोई द्वारा प्रस्तुति करा सर लवणी को ठाकुर को समर्पण करा। महाजन माने ठाकुर को पंती घर खटसीज उपरक विजे कराइबा पूजा पंडा सामंत भोग लागि कराइबे। महाभोई घर बोहू माने ठाकुर को अर्घ्य बंदापना कर क्षीर सर लवणी खुआइबे। नीति संपन्न होगा ठाकुर पालिंकी विजे हुई मचिकोट छक निकटस्थ मरची ठाकुराणी मंदिर निकट में विजे हो। ठाकुराणी सम्मुखें माटी मंडप साही उत्तरकाली आखड़ार दुईज मल्लुद्ध प्रस्ताव अवगत हो। ठाकुराणी सम्मुखें मल्लुद्ध नीति संपन्न होगापर ठाकुर मैंने राजनहर सम्मुख को विजे कराइबे। सेठे कुब्ज उदाहरण नीति संपन्न हो। जब जब हो धर्म के हानि तब तब ते बड़े असुर अभिमान महाप्रभुंकर एठार कृष्ण लीला नीति चली। से कृष्ण लीला नीति ने महाप्रभुंकर जन्माष्टमी ठारु कंसबद्ध पर्यंत स्वतंत्र विधि विधान अनुसार महाप्रभुंकर नीतिकांति पालन करा जाय था। जेपरी भाव रे कहा जाय छी महाप्रभुंकर अष्टमी ठारु आरंभ करी कृष्ण पक्ष अष्टमी ठारु आरंभ करी शुक्ल पक्ष दशमी पर्यंत महाप्रभुंकर लीला चली थाए। जेपरी भाव रे महाप्रभु गोटे गोटे बद्ध करी चली छंती। जेपरी भाव रे प्रथमे महाप्रभुंकर जेपरी भाव रे आपण देखिबे जे कि पुतना बद्ध रही सेभली भाव रे कालियो को दलन कले सेभली भाव रे केसिनी को बद्ध कले सेभली भाव रे अघासुर बकासुर को समस्त प्रकार बद्ध करि सल्ला परे परे महाप्रभु कौन कले धनु यात्रा पई मथुरा हाट को स्वतंत्र भाव रे विजय करती। आउ सेही भली भाव रे सहित कौन करा जाय था महाप्रभु आज्ञामाल प्रदान करती। आज्ञा महाप्रभु ठार आज्ञामाल प्राप्ति हो विजय प्रतिमा कौन करती पालिंकी विजय हो। प्रथम लवणीखिया छक जहाँकि आप देखिए लवणीखिया छक गोटे अच्छी आउ गोटे लवणीखिया स्वतंत्र भाव में मंडप अच्छी से लवणीखिया छक महाप्रभु जा विराजमान कले से महाप्रभु लवणी खाइबे पुनर्वार जो प्रत्यावर्तन करती से कौन करेंगे अध भाग में संपूर्ण भाव में आसवे कुब्जा आसब कुब्जा महाप्रभु को विभिन्न प्रकार आप्यायित करेंगे कुब्जा को महाप्रभु उद्धार करेंगे तापर कंस को संपूर्ण भाव में उद्धार करवाई कंस उपरकू किपर भाव में महाप्रभु लंफ प्रदान करते कंस किपर भाव में देखिकी कहीं कहगला जे कि महाप्रभु निजे कहते मत देखी मामू मंचारू पड़ी मामू मला मत तो दैव रखिला कहुई से भाव में देखु देखु संपूर्ण भाव में धराशायी हो जाए कंस महाप्रभुंकर पाखे से भाव में कंसबद्ध सिंह द्वार सामनारे से भाव सहित साईजात परंपरा अनुसार अनुष्ठित कराए महाप्रभु आज्ञामाल प्रदान करख्य प्रदान करती। से भाव सहित जपरी भाव में साईजातर परंपरा दुई प्रकार आज्ञा गोटे हूँ कृष्ण लीलार आ गोटे हूँ रामलीलार। रामलीलार महाप्रभुंकर राम जन्म ठार आरंभ करी रावण बद्ध राम अभिषेक पर्यंत होता है से भाव में कृष्णंकर जन्म ठार आरंभ करी कंसबद्धंकर पर्यंत महाप्रभुंकर लीला चली था। कंसबद्ध पर कृष्णंकर लीला सरी पुणी पुनर्वार बामनंकर जन्म ये विभिन्न नीतिकांति महाप्रभुंकर यात्रा पर यात्रा आज्ञा लागी रही। एहा परे सिंहद्वार सम्मुख बड़छता मठ आगे कंसबद्ध नीति संपन्न हो। एहापरे सेठारे शीतल भोग बंदापना हो ठाकुर सिंहद्वार को विजे करिवे। पुरी तपन कुमार लेंका रिपोर्ट खबर ओडिशा।